जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:22 हुए, तो कल अमेरिकी मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने मिला और जेरोम पॉल जी ने इंडिकेट किया कि इस बार तो कल उन्होंने फेड रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की और आने वाले दिनों में भी वो नरमी बरतेंगे, बढ़ोतरी करेंगे भी तो बहुत सोच समझ के करेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो यही सारा कुछ पूरे एशियन मार्केट को भी पसंद आया। अमेरिकी मार्केट 400 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर तेज बंद हुए और आज एशियन मार्केट भी सारे ग्रीन है और SGX भी यही दिखा रहा है 60-70 पॉइंट प्लस होने का। तो जैसा मैंने कल बोला था कल के रात के वीडियो में कि सेम कल की तरह रहेगा, यानी कि बुधवार की तरह मार्केट तेज खुलेगा और हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन आज जो लो बनेगा दोस्तों, आज जो लो बनेगा, अब ये आशा मत करिए कल के बाद वो लो देखने मिलेगा हमको। आज आपको लास्ट में खरीदारी करके जानी है, लास्ट में 3-3:30 बजे, अगर आप मुझे मानते हो। बट ये ध्यान रखिएगा, ये मेरे पर्सनल व्यू है, आप अपने एडवाइज़र से या अपना खुद का रिसर्च करके ही काम करिएगा। तो जैसा मैंने कल बोला वैसे ही होने वाला आज भी कि मार्केट एक बार गज केसरी योग के कारण तेज तो खुलेगा, लेकिन चंद्रमा जब नीच का है तो वो तेजी टिक नहीं पाएगी और नीचे आ जाएगा। लेकिन वो नीचे आज वाला बाइंग का मौका है, तो मेरे को लगता है 720 से लेकर 740 निफ्टी स्पॉट रेजिस्टेंस फेस करेगा, यानी 700 के ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, ये ऐसा मैं मानता हूँ। 720 से 40 का लेवल है प्रॉफिट बुकिंग करने का और फिर वेट करने का कि 3:15-3 बजे जब भी मार्केट नीचे अच्छा खासा मिले वहाँ बाई कर लीजिए, क्योंकि आज जो लो बनेगा, क्योंकि आज ज्येष्ठा नक्षत्र है और कल से मूल नक्षत्र में रहेगा मार्केट, क्योंकि चंद्रमा आज 6:30 बजे बाद शाम को मूल नक्षत्र में चला जाएगा, 6:41 PM के बाद। तो वो तो कल हमको मिलेगा मूल नक्षत्र, तो कल से मार्केट फुल तेजी में रहेगा, क्योंकि पीयूष गोयल साहब भी हमको बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कल मूल नक्षत्र में बजट पेश होगा, कल मूल नक्षत्र में बजट पेश होगा। तो ये अपने आप में कल एक मिसाल देने वाला बजट होगा, कल एक मिसाल देने वाला बजट होगा, ये कल का बजट बेस टाइप का बजट होगा। तो और उसके बाद 7 तारीख को RBI की क्रेडिट पॉलिसी है, तो जैसा अभी जेरोम पॉवेल साहब इतने नरम पड़े हैं और थोड़े से कूल ऑफ हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे शक्तिकांत दास साहब भी हमें इस बार रेट कट करके एक सरप्राइज तोहफा देंगे। तो बैंकिंग स्टॉक्स में आने वाले दिनों में काफ़ी तेजी मुझे लग रही है पर्सनली। सो थैंक्स अ लॉट। और ये आज का गुड मॉर्निंग पोस्ट आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ये नहीं सोचो कि आपको नहीं मिला, हालांकि टाइम लाइन पर भी डाल दिया बॉस, दोस्तों टाइम लाइन पर भी मैंने डाल दिया, 1 सेकेंड, इसको अपडेट होने में टाइम लगता है। तो दोस्तों ये आज का गुड मॉर्निंग पोस्ट आपको दिखा देता हूँ मैं, इसमें मेरा चेहरा तो देखने की दरकार नहीं है मुझे लगता है, तो मैं अपना चेहरा हटा देता हूँ और आपको गुड मॉर्निंग पोस्ट दिखा देता हूँ। नेट साइज स्लो स्लो रखा सुबह, आज क्या कारण है नेट स्लो हो गया पता नहीं। एनीवे, ये पोस्ट अभी दिख जाएगा, ये रहा, ये देखिए 15 मिनट पहले मैंने डाल दिया, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ, बिफोर 15 मिनट्स मैंने डाल दिया था। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए आराम से, क्या लिख रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए आपके लिए दे देता हूँ मैं, ये आप लोग पढ़ लिए होंगे इतना तो। और अब नीचे का ये है, आशा करता हूँ आप लोग पढ़ लीजिए इसको। ये एक है पोर्शन और ये एक पोर्शन। तो दोस्तों आज अपना सोच समझ के रिएक्ट करिएगा, क्योंकि कल से बड़ा दिन है आज, तो आज आपको जहाँ मौका मिलता है वहाँ बुक भी करना चाहिए और खाली डिप का इंतजार करिए जहाँ बाय करना है, डिप का अच्छी खासी डिप जहाँ मिलती है वहीं बाय करिए, उसके पहले मत करिए। सो थैंक्स अ लॉट,
आपका दिन शुभ हो और आपकी ट्रेडिंग में आप बहुत पैसा कमाएं, ऐसा मैं आशा करता हूँ।